बेंगलुरु डीजे हल्ली के जे हल्ली के जो फसादात को लेकर वहाँ का ऑलरेडी जो है पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ पे एक माजी मेयर जो एक्स मेयर है संपत राज बोलकर वो मास्टर पिन बोलकर ऑलरेडी डिक्लेयर होकर उसको अरेस्ट भी कर है। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पे 400 से ज़्यादा मुसलमान नौजवान जो बेगुनाह नौजवानों को अंदर कर हिरासत में लेकर उनके 250 उसमें से 250 तकरीबन नौजवानों के ऊपर UAPA एक्ट लगाकर इस तरीके से जो है एक नाइंसाफी का एक जो है दौर चल रहा है। तो इसके खिलाफ हमारा एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम लोग शाहपुर में भी जो है एक प्रोटेस्ट रखकर है कल। तो इसका एक ये भी अहम एक इसमें बात यह है कि कल जो बेंगलुरु के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरीफ साहब को भी जो है NIA के ज़रिए अरेस्ट कर है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। और इसी के साथ साथ कल मैं जो भी हमारे हमारे SDPI को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप लोग हमारे इस प्रोटेस्ट को आकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब करें ताकि हम ये मैसेज देने में कामयाब होए आने वाले दिनों में। आज SDPI के साथ ये लोग जो मिसयूज़ करें, जो पावर का मिसयूज़ करें, आने वाले दिनों में किसी के ऊपर भी ये लोग इसी तरीके से अपना पावर का मिसयूज़ कर किसी को भी हरासमेंट कर सकते हैं। तो हमें बताना चाहते हैं ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे तमाम को बराबरी के हकूक होना, जो गुनहगार है उसे सजा दिलाए। लेकिन इसके बजाय SDPI को टारगेट कर किसी SDPI के लीडर को टारगेट कर टार्चर कर कुछ हरासमेंट करने की जो कोशिश है उस तरीके से कोशिश नहीं होना बोलकर हमारा कल का प्रोटेस्ट है। इंशाल्लाह मैं तमाम हमारे सपोर्टर्स को, हमारे वेल विशर्स को मैं ये अपील करता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए, तो आप लोग हमारे प्रोटेस्ट में कल बसवेश्वर सर्कल शाहपुर कल 3 बजे आकर हमारे प्रोटेस्ट को कामयाब करें। और प्रोटेस्ट में जो हम लोग प्रोटेस्ट का हमारा मकसद है, आप लोग हमारे साथ दें ताकि इससे कुछ ये कानून के बाहर हम लोग काम नहीं करना है। कानून के दायरे में रहकर जो हम लोग वहाँ पे जिम्मेदार जो बोलती हैं उसी चीज़ों को आप लोग एहतियात बरतते हुए हमारा सपोर्ट करना है इंशाल्लाह। तो कल 3 बजे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इंशाल्लाह प्रोटेस्ट में आकर हमारे प्रोटेस्ट को कामयाब करें। इसमें मैं तमाम बुज़ुर्गों से और नौजवानों से और ख़वातीन से भी मैं अपील करता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम लोग इस तरीके से अगर से खामोश बैठेंगे तो हमारे ऊपर बहुत से ऐसे आने वाले दिनों में मुसीबत आने वाले हैं। तो अभी से हम ये लड़ने की आदत बनाना है इंशाल्लाह, कानून के दायरे में रहकर हम लोग मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बेंगलुरू डीजे हल्ली केजे हल्ली गलभे प्रकरण संबंधपट्टंगे SDPI जिला अध्यक्षरादंत शरीफ अवरन्नु NIA बंधिसुवुदन्नु नावु खंडिसुत्तेवे। खंडितवागियू नावु यार आरोपिगळिद्दारे अवरिगे शिक्षे आगबेकंत हेळि नावु ನಮ್ದು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ SDPI ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಸಿಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು BJP ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಆಡಳಿತದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ.